कार्यक्रम में मैं तो कुंभ की नगरी से आता हूं और यह कार्यकर्ताओं का कुंभ है। देख के आनंद आ गया, हमारे बीच हमारे यशस्वी नेता और भारत में खास करके मैं तो इस बात के लिए सदैव आनंदित भी रहता हूं कि जिस भाव से जो काम हाथ में ले उस काम को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा दे तो फिर अमित शाह जी को कोई क्या पहचानेगा। ऐसे यशस्वी गृह मंत्री, जोरदार अभिनंदन करें माननीय अमित जी का, हमारे बीच हमारे नेता मौजूद हैं। मैं तो 3 दिन पहले आपके बीच बहुत बड़े कार्यक्रम में आया था, इसलिए मैं ज्यादा लंबा तो नहीं बोलूंगा, 2-4 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कार्यकर्ताओं का कुंभ है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व और गौरव की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया में अपनी भाजपा की पहचान बनी है और एक कार्यकर्ता के नाते से जिस प्रकार से हमारे बीच में हमारे नेता मौजूद हैं, जिनको जो काम मिला उस काम को 100% अपनी पूरी कार्यदक्षता के साथ सफल करना और काम करते करते कार्यकर्ताओं को कैसे विकसित करना, परमात्मा की दया से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, असंभव काम हो, प्रत्येक काम को अंजाम तक पहुंचा करके। और हमने तो वो देखा क्षण जब आपने कहा कि धारा 370 संसद के अंदर अगर यश दिलाया पूरी पार्टी को तो आपके मुखारविंद का वो भाषण और वो एहसास हमको हुआ। और यही कारण है कि गृह मंत्री के कारण से हमारे पूरे देश में दंगे बंद हो गए, गुंडागिरी खत्म हुई, अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर के जो गृह मंत्री का रोल हो सकता था। और वर्तमान के दौर में तो हम तो और सौभाग्यशाली हैं, आज के इस दौर में जब 21 शताब्दी का भारत होगा, ऐसे में कई संकल्पों को पूरा कराने के लिए आप खजुराहो की धरती पे आए हैं और खजुराहो वो स्थान है जहां मतंगेश्वर महादेव आशीर्वाद देते हैं और निश्चित रूप से वो आशीर्वाद फलीभूत होता है और उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तो आपके आने के कार्यक्रम ही बना था और 2 दिन पहले हमने देखा कांग्रेस पिछली बार लगभग 4 लाख से हारी थी और उसके ठिकाने नहीं लगे थे और अब उन्हें अपनी खुद का मैदान छोड़ दिया। ये आपके आने की धमक और मोदी जी की सरकार के बनने के लक्षण दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय विदित शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा मंच यहाँ बैठा है, मैं सबको बधाई देता हूँ। हमारा अपना ये एक तरह से थोड़ा बाकी प्रदेश की तुलना में बुंदेलखंड वाला बेल्ट थोड़ा काल के प्रभाव में पिछड़ा था, लेकिन केन बेतवा का जो नया निर्णय हुआ है और केन बेतवा के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड अपने तमाम खेती किसानी और खास करके अपने ग्रामीण अंचल के लिए ये वरदान साबित होगा, बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो निर्णय हो रहे हैं, ऐसे कई मामलों को लेकर के बार बार विकास के मामले में बुंदेलखंड में एक नया दरवाजा खुला है, या आगे भी इसी प्रकार की सौगातें मिलती जाएगी। एक बार फिर मैं आप सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।